अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कोटी की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए ये नेट है हमारी, ये नेट हमने 2 मीटर लिया हुआ है और जो कोटी की लेंथ है वो 42.5 इंचेस है। तो हम इसको 1 फोल्ड करते हुए यहाँ से 18 इंच पर फोल्ड कर लेंगे, सॉरी 17 इंच पर। तो देखिए इसे मैंने 17 इंच पर फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका साइज लेंगे, लेंथ। तो यहाँ से हम शोल्डर यानी ऊपर की तरफ से टेप को रखते हुए 42.5 इंच है तो लेंथ हम इसमें 2 इंच मिला लेंगे यानी 44.5। देखिए यहाँ से हमने टेप का रखते हुए यानी 1 इंचेस लेते हुए यहाँ पर 44.5 इंचेस ले लिया है। तो ये हमारी लेंथ हो चुकी है। अब हम इसे शोल्डर लेंगे, इसका जो शोल्डर है वो 15 इंच है। तो 15 का हाफ होता है 7.5 यानी कि 7.5 इंच, 15 का आधा। तो अब हम यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 पर ये निशान हो चुका है। अब हम इसी के पास से आर्मोल का निशान यानी कि बगल का निशान भी हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। देखिए ये 7.5 इंच पर हमने बगल का निशान यानी कि आर्मोल का निशान ले लिया है। अब इसी निशान पर हम यानी कि जहाँ पर हमारा आर्मोल रुका हुआ है वहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस कोटी का जो चेस्ट का हिस्सा है वो 22 इंच है रेडी। तो हम यहाँ से 11 इंच पर एक निशान बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें मार्जिंग भी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से हमने 11 इंच लिया है और मार्जिंग 2 इंच ले ली है यानी कि 13 इंच तक हमने निशान बना लिया है। तो अब इसी तरह हम इसमें वेस्ट लेंथ हम इस कोटी में 14 इंचेस लेंगे यानी 14 इंच। 14 इंच पर वेस्ट की चौड़ाई लेंगे, सॉरी लंबाई लेंगे, उसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो लंबाई हमारी वेस्ट की यानी कमर की लंबाई 14 इंच है तो इसी पे हमें चौड़ाई लेना है। देखिए 14 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया है। अब जो वेस्ट की चौड़ाई है वो है 20 इंचेस। तो 20 का हाफ होता है 10 इंचेस। तो हम यहाँ फोल्ड कपड़े से टेप रखते हुए 10 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर हमने 11 का निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, अब हम नीचे कमर में 10 इंच का निशान कर लगाकर 2 इंच मिलाकर 12 इंच लेंगे। देखिए इस तरह यहाँ से 10 इंच और यहाँ से 12 इंचेस। अब हम लास्ट दामन का निशान लेंगे। तो जैसा कि हमने 17 इंच पहले ही फोल्ड कर दिया था तो पूरा हम 17 इंच का निशान ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 17 इंच का निशान ले लिया है। अब हम इस नीचे के निशान से इस कमर के निशान को मिला लेंगे। देखिए इस तरह कमर के पास से हमने दावन के निशान को मिला लिया है। अब हम आर्मोल का निशान बनाएंगे। यहाँ पर 1 इंच का टेप रखते हुए हम राउंड शेप लेंगे। देखिए इस तरह हमने यहाँ पर 1 इंच का राउंड शेप ले लिया है। अब इस तरह हमारा ये बैक साइड का कोटी का हिस्सा डायग्राम हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है बैक साइड की कोटी की। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े को इसी को यूज करते हुए इसी को रखते हुए हम बैक साइड के कपड़े को रखते हुए फ्रंट की हिस्सा कट कर लेंगे। देखिए इस तरह खुला कपड़ा हमने अपनी तरफ बिछा लिया है। पहले हमने इस साइड अपनी तरफ फोल्ड कपड़ा बिछाया हुआ था क्योंकि वो बैक साइड की कोटी थी, लेकिन अब हम ये फ्रंट साइड का हिस्सा कट कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसे अलग अलग कपड़े को यूज करके बिछाया हुआ है। तो इस तरह बिछाने के बाद हम जो बैक साइड का कोटी कट करे थे उसे इस पर बिछा देंगे। देखिए हमने इसे बिछा लिया है, लेकिन ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा गैप करते हुए हटाते हुए फोल्ड कपड़े को बिछाएंगे क्योंकि हमारे सामने की जो कोटी है उसका हिस्सा कम होता है। तो हम इसे 1 इंच इस तरह 1 इंच कपड़े को बाहर निकालते हुए इसे बिछाएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर इस तरह कपड़ा फ्रंट कोटी का कपड़ा अंदर की साइड है 1 इंच 1 से 1.5 इंच। तो इस तरह अब हम इस हिस्से को भी कंप्लीट कट कर लेंगे जिस तरह हमने बैक साइड के हिस्से को कट किया था। तो अब देखिए
इस पर मैं मार्क चौक से निशान नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम इसे बैक साइड के हिस्से को रखते हुए कट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये फ्रंट साइड का हिस्सा भी कट हो चुका है, यानी कि जो हमारी बैक साइड की चौड़ाई थी उससे हमारा फ्रंट का हिस्सा कम कट हुआ है। तो इस तरह हमारा कोटी की तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस बगल को यानी कि कट बगल को मापते हुए इसे राउंड टेप से मापते हुए इसके आस्तीन कट करेंगे। ये कॉलर वाली कोटी है, बाद में हम इसे नेक कट करके कॉलर लगाएंगे। देखिए पीछे का जो हमारा कोटी का चेस्ट का हिस्सा था वो 11 इंचेस हमने लिया था, लेकिन सामने हमने इसे 1.5 इंच कम कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जब हम माया को छोड़कर कट लगाते हैं तो इसका जो साइज होता है ये 9.5 है, तो फ्रंट का हिस्सा इस तरह कम होना चाहिए। अब हम इसका कट बगल मापेंगे। तो इसे टेप को इस तरह रखते हुए हम इसे राउंड देख लेंगे कि ये कितने इंच का हमें आस्तीन इसे अटैच करना है। देखिए 12 इंचेस इसका जो कट बगल है ये 12 इंचेस है। तो अब बचे हुए कपड़े से हम कोटी के आस्तीन निकालेंगे। देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये इस तरह 2 फोल्ड है। तो अब हम इसे पहले पलटी करके इस पे डालते हुए नीचे का हिस्सा इसे 4 फोल्ड बना लेंगे। तो अब ये हमारा 4 पदर हो चुका है 4 फोल्ड। तो अभी हम इसकी आस्तीन की जो लंबाई है वो 18.5 रेडी है। तो लेकिन हम इसमें 1.5 इंच मार्जिन मिलाते हुए इसे 20 इंचेस कंप्लीट ले लेंगे। देखिए हमने यहाँ से फोल्ड कपड़े से इस तरह 20 इंचेस ले लिए हैं। ये आस्तीन की हमारी लंबाई हो चुकी है। अब हम इसी तरह टेप को रखते हुए 3 इंच पर शेप देंगे। तो ये जो हमारा 3 इंच है इसे हम थोड़ा सा आगे जाकर निशान लगाएंगे क्योंकि ये नेट के ऊपर मार्क चौक आ रहा है, इसलिए हम इसे पूरा कम्प्लीटली निशान नहीं लगा रहे। अब बस इस निशान से हमें क्रॉस करते हुए 12 इंचेस लेना है जो हम आस्तीन का शेप बनाते हैं। अब इसे निशान ले लूंगी मैं ऊपर की तरफ। देखिए इसमें हमने यहाँ से मार्क चौक से निशान ले लिया है। अब हम इसका 12 इंच का जो हाफ होता है 6 इंच तक ऊपर से कटिंग करेंगे और 6 इंच के बाद नीचे से यानी कि शेप बनाते हुए। तो देखिए इस तरह, देखिए ये 6 इंच तक मैंने ऊपर से कट कर लिया। अब इसे मैं इसे डायग्राम इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ये ब्लू मार्क चौक दिख रहा है। देखिए अब हम इस 12 इंचेस को आस्तीन की चौड़ाई ले लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई है हमारी 5.5 इंच रेडी और एक 1.5 इंच अगर हम 1.5 मिलाते हैं तो 7 इंचेस। तो 7 इंच पर हम एक निशान बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा 7 इंच का निशान हो गया है। अब 12 इंच के निशान से हम 7 इंच के निशान पर मिलाएंगे। देखिए इस तरह हमने 12 इंच के निशान से ये जो हमने आस्तीन की चौड़ाई ली थी यहाँ पर 7 इंच तक मिला दिया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए आस्तीन की चौड़ाई भी कट हो चुकी है। अब हम इसे भी कट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह हमारे ये आस्तीन कट हो चुके हैं। ये अंदर प्लेन ड्रेस है इस कलर का, यानी कि शामू के कपड़े का प्लेन ड्रेस है और उसके ऊपर ये कोटी है। तो हम इस कोटी की कटिंग बताएं। अब हम सामने का नेक थोड़ा सा कट करके बताएंगे ताकि हम कॉलर लगा सके। तो ये जो हमारा प्लेन कुर्ती का कपड़ा है इसका हमें कॉलर अटैच करना है। देखिए ऑलरेडी हमने फ्रंट के हिस्से में, देखिए फ्रंट के हिस्से को ऑलरेडी हमने 1.5 इंच कम करके लिया था, तो हम 2.5 यानी 2.5 इंच, तो ये 1.5 इंच को मिलाते हुए और 1 इंच को मिलाते हुए यानी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह 2.5 इंच पर निशान ले लिया है और लंबाई में हम इसे क्रॉस रखते हुए
3.5 से 4 इंच पर आप अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग निशान ले सकते हैं। तो हमने इसे 4 इंच लिया हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा क्रॉस करके कट कर देंगे। देखिए इसे हमने थोड़ा सा क्रॉस करते हुए कट कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ से कॉलर अटैच करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा शेप ले लेंगे, यानी कि फ्रंट के हिस्से में झोल नहीं आना, इसलिए हम इसे शेप में कट करते हैं। तो ये जो कपड़ा है ये झोल आता है, तो ये सिर्फ फ्रंट के हिस्से में कट करेंगे, बैक में नहीं कट करेंगे। और इसी तरह आस्तीन में भी हम सामने के हिस्से में जो आस्तीन लगाएंगे उसमें कट करेंगे। तो जब ये ड्रेस के ऊपर ये कोटी पहनते हैं तो ये लुक इस तरह आता है। अब देखेंगे इसकी स्टिचिंग। पहले तो हम नॉर्मली शोल्डर पैक कर लेंगे। देखिए ये बैक साइड का शोल्डर है। अब हम इसे सीधे से सीधा चिपकाते हुए, यानी कि सीधे के ऊपर उल्टा कपड़ा रखते हुए हम फ्रंट का शोल्डर पैक करेंगे। देखिए इस तरह हम बैक साइड के ऊपर फ्रंट का हिस्सा रखते हुए किनारे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर दोनों के पैक करेंगे। इस साइड भी हम इसी तरह करेंगे। तो दोनों शोल्डर पहले पैक करके इसके आस्तीन अटैच करेंगे, इसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। तो आप कुर्ती सीना जानते हैं, तो इसमें कोई गले की पट्टी नहीं अटैच करनी है हमें। डायरेक्टली हमें शोल्डर पैक करके आस्तीन अटैच करके साइड सिलाई करना है। तो इतना काम हम पहले कर लेंगे। देखिए शोल्डर पैक करके आस्तीन लगाकर हमने इसकी साइड की सिलाई कर ली है। तो इस तरह हमारी कोटी आधी पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए हम देखिए कॉलर के लिए हम शोल्डर की सिलाई के पास से 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए इस निशान से इस तरह हम मापते हुए यहाँ तक ले लेंगे। तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है। तो अब इस 13 इंच को हम बकरम यूज करते हुए कॉलर बनाकर लगाएंगे। देखिए हमने इसे कॉलर अटैच कर दिया है। अब हम इसके कमर के साइज पर डोरी लगा देंगे, यानी कि हम इसे जो कंपेट के पास का हिस्सा होता है वहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह हमारी कोटी कंप्लीट होती है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।